बिना बिजली की कटौती किए आपके बिजली के बिल को बचा के देगा ये, मैं बताता हूँ कैसे। बताइए। ये पावर फैक्टर का करेक्शन करता है। पावर फैक्टर एक चीज होती है हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जो पावर फैक्टर का करेक्शन करता है, मतलब इसकी वैल्यू को मेंटेन करता है। आइडल पावर फैक्टर की वैल्यू होती है 1, बेस्ट पावर फैक्टर बोलते हैं 0.99 को। ये 0.99 की वैल्यू को मेंटेन करता है। जैसे कि पावर फैक्टर का करेक्शन मतलब आपके अप्लायंसेस को जितने पावर सप्लाई की जरूरत है सर, ये उतनी ही पावर सप्लाई देता है, उससे अधिक मात्रा में आने नहीं देता है, जिसके कारण आपके बिजली के बिल में बचत भी होती है। फ्लक्चुएशन के दायरे से हमारे अप्लायंसेस बाहर होते हैं, प्लस ओवरहीट नहीं होते, डैमेज नहीं आते जब हम इसको लगाते हैं। कोई भी 3 पिन, खास बात इसकी ये है कि कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है इसकी। अच्छा, पूरे घर में इसको कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे वो बेडरूम हो, चाहे वो हॉल हो, चाहे किचन हो, चाहे बाथरूम हो, कोई भी सॉकेट हो, पूरे घर में कहीं पे भी लगा सकते हैं। देखिए सर, जस्ट प्लग इनटू एनी 3 पिन सॉकेट। ओके, ठीक है। देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे 4 ट्यूबलाइट का लोड डाल रखा है मैंने, 1.09 एम्पीयर, ठीक है। चाहे बेडरूम, हॉल रूम, किचन रूम, वॉशरूम, पूरे घर में इसको कहीं भी लगाइए, पूरे घर का टेक केयर करता है ये, ठीक है। अब हम इसको लगाते और आप देख सकते हैं तो ये लोड कम हो गया। हाँ जी, लोड कम नहीं हुआ, वेस्टेज कम हुआ, ना आपका ब्राइटनेस कम होगा, ना आपका एफिशिएंसी कम होगा। उसकी वजह ये है सर, जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है ना पावर प्लांट से, 1:1 के रेशियो में होता है, लेकिन जब तक ना निकलता है वो 0.99 की वैल्यू में आ जाता है। मतलब ये जब तक ट्रांसमिशन लॉस सबस्टेशन डिवीजन पे, ट्रांसफार्मर्स पे डिवाइड होके जब तक हमारे घर तक आता है तो 1:3 मैक्सिमम 1:5 में डिवाइड हो जाता है। ओके, जिसके वजह से हमारा मीटर ज़्यादा लोड लेता है। ज़्यादा लोड क्यों लेता है? क्योंकि हमारे अप्लायंसेस के लिए एक लिमिटेशन बनाई गई है कि उतना कंज्यूम उन लोग करेंगे ही करेंगे, तो कंजम्पशन देने के चक्कर में वो ज़्यादा लोड बैर करता है, क्योंकि हार्मोनिक लॉस रहते, जहाँ पे इंडक्शन लॉस रहते, कॉपर लॉस रहते, कार्बन एमिशन रहते, तो ये वो सारी चीज़ों को बचा के अवॉइड करके आपका पावर फैक्टर का वैल्यू को मेंटेन करता है। यानी जो वो एक्स्ट्रा बिजली जा रही है, हाँ जी, उसको रोक देता है। अच्छा। इसी की वजह से ये एब्सोल्युटली लीगल है, अप्रूव्ड है एंड सर्टिफाइड है। हाँ, वही मैं कहना कि भाई कोई ये कहे कि मैं मीटर में छेड़खानी कर दी। यदि आप मीटर से पहले कुछ करते हो या मीटर के अंदर कुछ करते हो तो वो गलत काम होता है, वो इलीगल होता है। अगर आप मीटर के बाद इसको लगाते हो तो बकायदा होम अप्लायंसेस के तौर पे यूज़ करते हो, मतलब आप 15 दिन में इसका 2 यूनिट का पैसा इसका भी पे कर रहे हो। अच्छा, इसमें हाँ मैं वही पूछना चाह रहा था कि ये भी तो बिजली खाता होगा ना थोड़ा। 15 दिन में 2 यूनिट ये भी खाता है, जहाँ पे आपका 30 से 40 यूनिट बचाएगा वहाँ 2 यूनिट खाने का हकदार तो है ही। नहीं, इतना तो बनता भी है भाई, खुराक तो इसको भी चाहिए। बिल्कुल। इसके अंदर है क्या वैसे? इसके अंदर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक आरसी सर्किट लगी हुई है। अच्छा, आरसी सर्किट फ्लक्चुएशन सर्जिस को मॉनिटर करता है। कैपेसिटर 10 से 30 सेकंड का पावर खुद ऑप्टिमाइज करता है, ऑप्टिमाइज करके आपको स्टेबल करंट देता है। अगर शॉक सर्किट, पावर कट ऑफ ये सब होने वाला है तो 10 सेकंड पहले आपके एमसीबी को अलर्ट करके ये आपके अप्लायंसेस को स्विच ऑफ कर देगा। ऐसा क्या? और सेफली आपके अप्लायंसेस को कुछ भी हार्म नहीं होगा, यानी कि अपना जो कुछ भी फूकेगा उकेगा नहीं। हाँ जी, बिजली की बचत भी, आपके अप्लायंसेस की सुरक्षा भी। कीमत क्या है इसकी? मात्र 1100 रुपए। अगर आप ऑनलाइन बुक करते तो ये 2290 रुपए का शिपिंग चार्जेस के साथ में पड़ता है। ओके, एंड प्लस 1 साल की गारंटी, 5 साल की वारंटी है। कोई ऑनलाइन खरीद सकता है आपसे? बिल्कुल खरीद सकता है। हमारा ultrapowersaver.com करके वेबसाइट है, पर्सनल वेबसाइट। ये हमारा ब्रोशर है सर, इसके ऊपर हमारा वेबसाइट है, ईमेल आईडी है और कॉन्टैक्ट नंबर है। इन पे कॉन्टैक्ट करके आपसे संपर्क किया जा सकता है। एंड प्लस ये आप पैन इंडिया सर्विस के अकॉर्डिंग सर घर बैठे सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। सर्विस के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपनी गाड़ी निकालने की जरूरत नहीं, स्टार्ट करने की जरूरत नहीं, हेजल फ्री आप घर तक की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं इंडिया के किसी भी कोने से। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू।